अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया। आज हमें साउथ सिटी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर शम्मा मुनीब के साथ, जो कि फीटल हेड की डायरेक्टर हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में, आज हम इनसे बात करेंगे एमनियोसिंथे। बट बिफोर, सो सॉरी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, आज हम बात करते हैं आपसे एमनियोसिंथेसिस के बारे में, तो प्लीज़ आप बताइए कि ये क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन और कुछ भी इसके बारे में डिटेल। जी हाँ, ज़रूर। एमनियोसिंथेसिस जो है एक्चुअली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हुए एक फाइन नील डालते हैं बेबी के सैक में। आपको पता है बेबी जो है एक वाटर के सैक में होता है यूट्रस में, तो उसमें से हम फ्लूइड निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। जो लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं, बिलखसूस ये डाउन सिंड्रोम की तशखीस के लिए होते हैं, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी के लिए होते हैं, या कोई जेनेटिक कंडीशंस के लिए होते हैं, तो इसलिए एमनियोसिंथेसिस ये परफॉर्म होता है 16 वीक्स पे। और जनरली जो है वो एमनियोसिंथेसिस की एक और भी वजह होती है कराने की, कि अगर किसी की 20 वीक स्कैन में कोई एबनॉर्मैलिटी आती है जिससे हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी पे शक होता है, तो भी हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। तो ये प्रोसीजर किस तरह होता है, वो थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। प्रोसीजर तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड ही होता है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते हैं और फिर उसी के साथ नील डालते हैं और कुछ फ्लूइड निकालते हैं। फ्लूइड जो है वो लैब में टेस्ट होने जाता है, उससे बच्चे के क्रोमोसोम्स पता चलते हैं। ये टेस्ट जो है 99.9% एक्यूरेट होता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे के क्रोमोसोम क्या हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेरेंट्स के पास फिर ऑप्शन होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या अदरवाइज, तो फिर हम उनसे मालूम कर लेते हैं। लिहाजा अब आप पूछेंगी कि इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं या क्या कहना चाहिए पहले, तो एक्चुअली काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केस में। और काउंसलिंग में होता ये है कि आप जो हैं वो मरीज़ को ये सारी डिटेल बताते हैं कि प्रोसीजर क्या है, उसकी कॉस्ट बताते हैं, उसका कितने परसेंट रिस्क है मिसकैरेज का, और फिर उनसे ये भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये पूछते हैं कि उनकी विशेज़ क्या हैं, कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या अगर मालूम होगा तो क्या टर्मिनेट करेंगे। क्योंकि मेरी पेरेंट्स वुड से कि नहीं, हमने तो टर्मिनेशन कराना ही नहीं। इन दैट केस देर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एन एमनियोसिंथेसिस डन एंड वरिंग देम फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। तो हमें पेरेंट्स को जो है ना नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करनी होती है, और उनके जो भी फैसला होता है पेरेंट्स जो लेते हैं हमारे साथ मिलके, उसका एहतराम करना पड़ता है। प्रोसीजर रिस्की है, वो 0.5% रिस्की है। इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन एंड द प्रोफेशंसी। अगर मैं 20 साल से कर रही होंगी तो मेरे एक्सपीरियंस में और किसी का जो साल भर से कर रहा है उसके एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक बार वापस से बताइएगा कि प्रोसीजर रिस्की कितना है? 0.5% इन द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट, नॉट एवरीबॉडी। ओके, तो आपने तो हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो मुझे आपसे पूछने थे। थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यू आर वेरी वेलकम। और मैं सिर्फ एक बात बताती जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं ये बता दूँ कि डाउन सिंड्रोम जो है कॉमनस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ना सिर्फ ये कॉमनेस्ट है, बल्कि इसके बच्चे जो ना उनकी एक रीज़नेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो ट्राइसोमी 13 और 18 के बरक्स ये ज़्यादा ज़िंदा रहने का और उनके अंदर चांस होता है, लिहाजा उनका पता होना ज़रूरी है। और ये बच्चे जो हैं उनमें और भी कार्डिक एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, ज़हनी तौर पर पसमानदा होते हैं, तो इनकी प्रीनेटल डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट होती है। राइट, सही। थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।